हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग ऑफ माय लाइफ। तो मैंने सोचा कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी डेली लाइफ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आई एम गोना स्टार्ट माय डे नाउ। आई एम इन माय कार हेडिंग टुवर्ड्स ऑफिस। तो आपको दिखाते हैं, आए चलें डेली रूटीन में क्या होता है क्या नहीं होता। ऑफिस जाते हुए वी गोना गेट अ कप ऑफ कैपेचिनो। तो मेरे घर के साथ ही यहाँ पे रीनाज है, तो हम फिर रीना से कॉफी लेते हुए तो वील गो टूवर्ड्स माय ऑफिस। और के रीनाज ये आ गया है, बिल्कुल साथ ही है मेरे घर के। बस अब हम कॉफी का वेट कर रहे हैं। तो मीनवाइल मैं आपको बताऊं कि जो मेरा ऑफिस है, व्हाट वी डू एक्चुअली, वी इंपोर्ट स्टोन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और फिर हम उनको आगे फर्दर फैब्रिकेट करते हैं और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, फिर उसकी आफ्टर सर्विसेज एंड सो ऑन। तो अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको किसी दिन हम टूर करवाएंगे अपने ऑफिस का भी। तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज का दिन जो है ना, मेरे लिए काफी एक अमेजिंग दिन होने वाला है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि हर रोज जो है, यू शुड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, यही मेरा मानना है। तो लेट्स होप, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। दूसरा गाइस, मेरा दुबई में भी मैंने एक अपनी LLC सेट की हुई है, ट्रेडिंग में वहाँ पे भी थोड़ी बहुत करता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा चक्कर लगता रहता है ऑन एंड ऑफ। और आपको पता है फिर जो काम मिले बंदे को करना चाहिए, यू नो। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, कॉफ़ी मेरी आ चुकी है और अब हम निकलते हैं अपने ऑफिस की तरफ, वो भी यहाँ से हार्डली कोई 2-3 मिनट्स अवे है, लोकेटेड है फेस 4 के पास गाजी रोड पे। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरा ऑफिस है, यू सी दिस, इसके बैक साइड पे भी है और ये सारा है। ये आपको किसी दिन हम विजिट करवाएंगे, इट्स सिंस 1979। तो गाइस हम फाइनली ऑफिस पहुंच चुका हूं मैं। अब तो आई स्टार्टेड माय डे, आप लोगों को भी दिखाता हूं मैं। रीडिंग न्यूज़पेपर, कॉफ़ी। आज मैच चल रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो वो मैच देख रहा हूं। लेट्स सी, लेट्स होप आवर टीम विंस, क्योंकि पिछली इस टूर्नामेंट में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं सही रही। तो उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हेलो जी, आई एम बैक इन माय कार। अभी मुझे बस मेरे एक दोस्त की कॉल आई है, वो कह रहा था कि बस कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी हमने एक बिजनेस के हवाले से, तो अभी आई एम गोना गो देयर। तो चले आए, आपको साथ लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी आगे क्या होता है। ये गाइस देखें, आप लोगों को स्मोक नजर आ रही होगी। तो आज सुबह ही मैं न्यूज़पेपर पे देख रहा था कि लाहौर आपकी पूरी दुनिया का नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी में आ गया है। तो जो पोल्यूशन है यहाँ पे वो बढ़ती जा रही है और जो हमारे अदारे हैं, दे आर यू नो हेल्पलेस अबाउट इट। तो या वी गोना डील विद इट नाउ। अच्छा, तो गाइस अब हमारी मीटिंग मुकम्मल हो गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ अपने दोस्तों से। ये देखें, ये हैं हमारे अरसलान भाई, असिस्टेंट एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, और ये है जिशान भाई, ये कैश एंड कैरीज हैं इनके। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, तो आगे का दिखाते हैं आपको क्या होता है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी मैं जो मीटिंग के लिए गया हुआ था, तो अभी तो सरप्राइज है, मैं इतना खुल के नहीं बता सकता। बट द थिंग इज कि हम लोग एक कमर्शियल इवेंट लेके आ रहे हैं लाहौर में, जो कि मैं बहुत जल्द अनाउंस करूंगा, शायद ब्लॉग में कर दूं या मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट में कर दूं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो समथिंग बिग इज कमिंग अप। तो मैं बस वहां से निकला था, तो आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माई ऑफिस, तो बीच में ही मेरे एक दोस्त का फोन आया मुझे। तो हम लोगों ने मिलके एक चीज़ ऑर्डर की थी, तो वो आ चुकी है और मैं अभी बस उसकी तरफ ही जा रहा हूँ फेस 5। तो मैं जैसे ही पहुँचता हूँ तो मैं आप लोगों को वो चीज़ भी दिखाता हूँ। मैं बेसिकली पहुँच गया हूँ अपने दोस्त के घर के बाहर, तो आई जस्ट कॉल्ड हिम, तो वो बस 2 मिनट में आ रहा है। तो फिर आगे इंशाल्लाह आपको सरप्राइज भी दिखाते हैं और उसको इंजॉय भी करते हैं। तो गाइस वी आर फाइनली हेयर और मीट माय फ्रेंड वली भट्ट, ये मेरा बचपन के स्कूल का दोस्त है। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो गाइस हेयर इज द थिंग, ये बेसिकली जो हमने ऑर्डर किया था ये वो चीज़ नहीं है, बेसिकली ये एक CBU यूनिट है कि जो कि इसका भाई रोड प्रिंट्स वालों से ज़बरदस्ती ले आया है, और जो हमने ऑर्डर किया था वो हमें मिलेगा मंडे वाले दिन।
और वो है ब्लैक कलर में। तो 90s 80s में आता था वेस्पा, तो ये उस तरह की इसकी लुक दी हुई है, लेकिन ये जरा मॉडर्न है और ऑटोमेटिक है, कोई गियर्स नहीं है, कोई क्लच नहीं है, इसमें भी गियर्स नहीं है। हाँ बिल्कुल, गाड़ी में भी नहीं, ऑटोमेटिक है। तो चलें अब इसको चला के तो इसकी राइड लेते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अब गाइस इसके ऊपर हम बैठ गए हैं, अब चलाने लगे हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो कैसी रही जी आपकी ड्राइव? बहुत मजेदार यार, बहुत स्मूथ है ये तो। और इसके गियर्स भी चेंज नहीं होते, एक ही गियर है, उस पर सारी स्पीड चलती है, टोटली ऑटोमेटिक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्कूटर है, इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग दिखाऊं तो उसका मीटर भी फुली ऑटोमेटिक है और इसका कोई गियर वगैरह नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट एंड यू नो एक्सेलरेट। ये भी ब्रेक है और ये इसकी ब्रेक्स हैं जैसे नॉर्मल बाइक की होती है। ये पिछली ब्रेक है, तो आगे दिखाएं आप हाईवे में। ओह ये लो भी है, हाईवे में ये इसको आप लो भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं। दैट्स गुड। ये हॉर्न है और ये हॉर्न है इसका। तो चलें आपको जरा एक चक्कर लगवाते हैं इसके ऊपर। आपने देखा है ये स्कूटर, बेसिकली हमने इसमें ऑर्डर किया था ब्लैक कलर, तो वो अभी उनको टाइम था, तो वो मेरे दोस्त का भाई गया, उसके जानने वाले थे, कौन सी कंपनी है ये, रोड प्रिंस वाले, तो वो उनसे उनका CBU यूनिट ही ले आया। उसने कहा कि ये आप हमें दे दें, जब हमारा आएगा तो वील मैनेज इट समहाउ। तो बहरहाल इट वॉज रियली अमेजिंग, बहुत फन था, बहुत मजेदार, स्मूथ ड्राइव, ऑटोमेटिक, गियर्स नहीं है, कोई हसल नहीं है और बहुत अच्छा। मतलब कि अब मेरा अगर ब्लैक आएगा तो मैं उसको सोच रहा हूँ कि उसको मैं टू टोन में रैप करवाऊँ और थोड़ा उसके ऊपर थोड़ी डिजाइनिंग और थोड़ा उसको जरा यो स्कूटर लगे। लेकिन सिंस ये इन्होंने वेस्पा से आइडिया उठाया है तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत मजेदार और बहुत स्मूथ, इट्स रियली नाइस। जी जो गाइस, तो मैं तो भूल भी गया था कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्रिकेट मैच है। तो चलें अब थोड़ी देर में बस चलते हैं, मैच देखते हैं क्या अपडेट्स हैं, कहां तक हमारी टीम पहुंची है और क्या सूरत हाल है। टू बी ऑनेस्ट मेरा तो दिल ही नहीं था आज मैच देखने का, कि मुझे पता था कि इन दी एंड इन्होंने डिसअपॉइंट ही करना है हमें। बहरहाल मैसेजेस भी लीक हुए हैं। बहरहाल क्या करें यार, अपनी टीम है, अपना मुल्क है, छोड़ भी नहीं सकते ऐसे। तो चलो देखते हैं टीवी लगा के, या होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज टुनाइट। We wish all the best to our team and our country. Go Greens, we are with you. जुआनी लाना। अली साहब मुझे एक और दोस्त की तरफ ले आए हैं, ये अब्दुल हादी भट्टी साहब हैं, तो बस अब इनसे मिलते हैं। ये काफी बड़े फैन हैं पाकिस्तान टीम के, लाइक इनके लिए जीने मरने वाला हो जाता है। तो इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज पाकिस्तान की टीम के हवाले से, और आपकी इनसे भी मुलाकात करवाते हैं आज इंशाल्लाह। पाकिस्तान। ये देखा है आपने इसको, मैंने जैसे आपको कहा था इसके लिए जीने मरने वाली बात हो जाती है। भट्टी साहब हमारी ऑडियंस से तो मिले जरा आके। अस्सलाम वालेकुम। ये गाइस ये भी मेरे यूनिवर्सिटी टाइम का दोस्त है अब्दुल हादी भट्टी। भट्टी साहब हेलो बोले सबको। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अब हम मजी लग रहा है, बादशाह सही लग रहे हैं। भट्टी साहब के घर आए हैं ऊपर, तो हमने सोचा था हम इनको सरप्राइज देंगे, इन्होंने उल्टा हमें सरप्राइज दे दिया है। ये मिले मेरे एक और दोस्त से, अहमद मलिक साहब हैं, इनको हम टर्टल कहते हैं, और ये भी मेरे शफात के ही दोस्त हैं। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए मैच चल रहा है, बस अब देखिए भट्टी साहब के लिए तो जीने मरने वाला हुआ हुआ है, और अब्दुल्ला साहब से कोई शॉट नहीं लगी। क्या लगता है भट्टी साहब आपको, क्या चांसेस है पाकिस्तान के? पाकिस्तान जीत रहे इंशाल्लाह 100%। कुछ जुआ शुआ लगाया हुआ है? कोई नहीं, ऐसी बात ही नहीं करते यार। अच्छा मलिक साहब आपको क्या लगता है पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? हार जाएगा पाकिस्तान? हार जाएगा। बड़ा शेम, बड़ा शेम ब्रो, बड़ा शेम, बड़ा शेम। एटलीस्ट यू शुड सपोर्ट योर टीम मैन। मगर टीम वो बेहतर करे, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी हुई है पाकिस्तान की टीम से, क्यों भाई? लेकिन सपोर्ट तो मैं फिर भी करूंगा। आप क्या कहेंगे अबाउट पाकिस्तान ब्रो?
मैं कुछ नहीं What's it gonna be? मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनकी हिस्ट्री बोलती है। ऐसी अपमान जनक बातें कर रहा है लड़का ये। हिस्ट्री बोलती है तो ये आप... हम कभी भी जीत सकते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है और हम इंशाल्लाह जीतेंगे, ये आप देख लेना। चलो गाइस, हमने इतने कॉन्फिडेंस से कहा है तो अब मैच देखते हैं क्या बनता है आगे, लेट्स सी। हम निकल पड़े हैं यहाँ से, सबको हमने पिक कर लिया है, तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वलीज होम इन फेज 5, तो वहाँ जाके देखते हैं आगे फिर क्या प्लान बनता है हमारा। ओवर एंड आउट। किसी का कोई प्लान नहीं बन रहा, अब बस सोच रहे हैं कि अपने अपने घर चलते हैं। वली के घर आ गए हैं तो वो हमें जाने नहीं दे रहा था, वो कह रहा था कि नहीं यार गाइस खाना शाना खा के जाओ, तो बस अब हम उसके ड्राइंग रूम में हैं, तो बस टेबल लग रहा है तो फिर खाना शाना खाते हैं और फिर घर की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान परफॉर्म तो बहुत अच्छा कर रहा है आज मैच में, तो होपफुली हम मैच तो जीत गए हुए हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं फाइनल तक जाने के, अगर वो जीत जाता है, और अगर चांसेस नहीं भी हैं तब भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी ही बताना है। हम निकल रहे हैं, अब घर की तरफ चलते हैं और इन लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। तो जा रहा हूँ घर की तरफ बिकॉज इट्स वेरी लेट, तो बस अब घर जाके तो इंशाल्लाह फिर इसको एंड करते हैं। और अच्छा दिन था, वॉज अ गुड डे। वैसे भी गाइस अभी फ़ोन आया गॉडफादर का, बेसिकली मैं अपने डैड को गॉडफादर कहता हूँ क्योंकि उनसे डरता बहुत हूँ। वैसे तो सभी डरते हैं लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही। तो बस अब घर पहुँचते हैं, वहाँ भी डिनर पे सब वेट कर रहे हैं लेकिन मैं तो डिनर ऑलरेडी कर चुका हूँ। लगता है कि मुझे ना अब एक और फ़ोन शायद लेना पड़े, क्योंकि एक फ़ोन से तो मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ और फिर मुझे गाने सुनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक आई नीड टू गेट अनदर फ़ोन। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान जीत गया है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जीत गए हैं, जैसे आप भी देख सकते हैं। अब नीचे भी सब बुला रहे हैं तो चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट्स अप फॉर डिनर। अभी बस नीचे आया हूँ तो मुझे पता लगा है कि बच्चे बड़ा शोर मचा रहे हैं घर पे, और अभी फिर उन सबको लेके जाना पड़ेगा प्लेडियम, तो वहाँ पे जाहिर है बच्चों की तो गेम्स होती हैं लेकिन बड़ों की भी होती हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको विजिट करवाएंगे और आई होप इट विल बी फन। जैसे आप देख सकते हैं कि हम अभी प्लेडियम पे हैं और बच्चों को हमने छोड़ दिया है बच्चों के प्ले एरिया में, और हम यहाँ पे आ गए हैं बड़ों की गेम्स में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पीछे बास्केटबॉल चल रहा है, सब बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इससे पहले हम बुक कटिंग कर रहे थे। यहाँ से निकल रहे हैं, इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे। तो गाइस हम फाइनली स्टेडियम से आगे हुए हैं, तो आई एम गोना एंड माय ब्लॉग हियर, तो उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें, और इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात। टेक केयर, जी अल्लाह हाफिज़।